सबसे पहले हमें टेंगरा फिश को अच्छा से धो के नमक एंड हल्दी से मिलाना है, मिला के इसे क्रिस्पी फ्राई करनी है। हमें दोनों तरफ से फिश को अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। ये फिश हमने तल के रेडी कर लिया है, अब इसका हम ग्रेवी बनाएंगे। अब उसी तेल में जिसमें हम लोगों ने फ्राई किया था फिश, उसमें हम देंगे काला जीरा, जब काला जीरा स्पटर होने लगे तो हम देंगे सरसों, हमने पेस्ट किया है, पेस्ट करने के बाद उसके साथ पानी मिलाया है, मिलाने के बाद उसे हमने छान लिया है, वो हम डालेंगे इसमें। आप एकदम महीन पिसा हुआ सरसों भी डायरेक्टली दे सकते हो, लेकिन हम जो प्रोसेस करते हैं उससे ज्यादा स्वाद अच्छा लगता है, ये अपने अपने पसंद के ऊपर है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा शुगर, सॉल्ट हमने फिश में भी दिया था फ्राई के टाइम, तो इसलिए उस हिसाब से आपको सॉल्ट डालनी है, हल्दी, ये सारे डाल के एक बार बढ़िया से इसको मिक्स करना है। अब इसमें हम डालेंगे ये दही, बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है और बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है इस ग्रेवी का। अब हमें वेट करना है बॉईल आने तक, और जब ये बॉईल आने लगे और थोड़ा सा तेल छोड़ना शुरू कर दे, अब जब ये बॉईल होने लगे और तेल छोड़ना शुरू कर दे तो हम इसमें ये जो सारे फिश तले थे ये फिश डाल देंगे। ग्रेवी के अनुसार आप पानी डाल सकते हो, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पतला वाला ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से ये ग्रेवी ठीक है। अब इसे हम कवर कर देंगे, इसको नीचे करके 10 मिनट्स कुक करेंगे, इन बिटवीन एक बार हम लोग इसको खोल के फिशेस जो है उनको उलट पलट कर देंगे ताकि सारे तरफ चारों तरफ से ये कुक्ड हो जाए। After 10 minutes, हमें क्या करना है, ये जो खसखस है इसे हमें देना है, मैंने खसखस पाउडर यूज किया, आप पेस्ट भी पानी के साथ पेस्ट भी बना के यूज कर सकते हो, लेकिन पाउडर दो तो ज्यादा अच्छा होता है, एकदम महीन पेस्ट करने से थोड़ा खुरदरा रहने से खसखस का जो स्वाद है वो ज्यादा अच्छा आता है। अब इसमें हम करेंगे ये स्लिट किया हुआ हरा मिर्चा है ये डाल देंगे, अब दोबारा इसे कवर करके 5 मिनट्स तक आपको इसे सिमर करना है। आफ्टर 5 मिनट्स अब ये हमारा फिश एकदम रेडी है। अब हमें जो करना है ऑप्शनल है, ये जो कच्चा सरसों तेल है ये हमें डालना है, ये आप लोग जिन लोग सरसों तेल नहीं खाते हो वो प्लीज मत डालिएगा, वरना आपको इसका स्वाद समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज इट्स मस्ट। इसे बस सरसों तेल डाल के जो करना है इसे ढकना है और एकदम 2 मिनट बाद इसे ऑफ कर देना है और इट इज रेडी टू सर्व। ये रेडी है हमारा टेंगरा माछ का सरसों के साथ रेसिपी, इसे आप एकदम हॉट सर्व कीजिए स्टीम्ड राइस के साथ।